चाहिए। महाराज वो पता नहीं क्या कहा, पता नहीं सजा मिलेगी। कितने अजीब मेंढक है, दो पैरों वाले। तर, तर। ये मेंढक नहीं पर मेंढक जैसे छलांग मार रहे हैं। उस्ताद उधर देखिए। कौन हो तुम और ये क्या है, और तुम सब ऐसे कूद क्यों रहे हो? तुम यहाँ नए आए हो, कालिया उस्ताद को नहीं जानते? भीम वहाँ कुछ गड़बड़ है, चलो चल के देखते हैं। कालिया क्या हो रहा है? ये हरा पीला नया लड़का कालिया का मजाक उड़ा रहा है। हरा पीला? तुम्हें तो मैं अभी सबक सिखा। जाओ कालिया। तुमने मेंढकपुर में हमें परेशान किया, अब हम यहाँ रहेंगे और तुम सब दूसरे मेंढकों की तरह मेरे गुलाम बनोगे। मेंढक राजा, हमें पता नहीं था हमारे मैदान के नीचे आपका मेंढकपुर है। हम माफी मांगते हैं। ठीक है, मगर एक शर्त है, तुम्हें हमारे साथ मेंढक दौड़ लगानी होगी। अगर जीते तो तुम्हें ठीक कर दूंगा, वरना। मंजूर है। तैयार, एक दो तीन। ये सब कालिया की गलती है। हार गया छोटा भीम। बचाओ मुझे। जग्गू तुम जल्दी से चील का पीछा करो, मैं मेंढक राजा को बचाता हूँ। ठीक है भीम। मुझे बचाने के लिए शुक्रिया भीम, मुझे माफ कर दो भीम। चाची ने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज भेजा है, ये लो। प्यारे राजू, एक रात के लिए प्लीज डिंपू का ख्याल रखना, मुझे कुछ काम से पास के गांव जाना है, कल सुबह मैं आकर इसे ले जाऊंगी, तुम्हारी चाची। सुंदर, बड़ी बड़ी चलते हैं। चुटकी वहाँ उस तरफ से।
सब एक साथ चारों तरफ से पकड़े। मुझे लगता है हो सकता है खिलौने के लिए नहीं खाने के लिए रो रहा हो। अभी इसका दलिया तैयार कर देती हूँ। बड़ा शैतान है। आज रात हम सब एक एक करके डिंपू पर नजर रखेंगे। बिल्कुल सही कहा भीम, पहले मेरी बारी। क्या कहा तुमने? चलो इसे बाहर ले चलते हैं, शायद खुली हवा में इसे अच्छा लगे। देखो जग्गू क्या कर रहा है। कालिया, लगता है डिंपू को तुम पसंद आ गए। शुक्र है, इसका रोना तो बंद हो गया। अच्छा ये सो गया। कालिया, हम लोग जरा पानी पी कर आते हैं, तुम डिंपू को संभालो। बात करो। मैं इसका ध्यान बटाता हूँ और तुम डिंपू को उससे ले लेना। संभल के भी। रहेगा। तुम सब बहुत थके हुए लगते हो। कुछ हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। मतलब हमें बस सोना है। कहीं डिंपू ने तुम्हें उठा तो नहीं लिया? हाँ? नहीं, 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 बिल्कुल नहीं। ये तो बहुत ही अच्छा बच्चा है ना? सबको अलविदा कहो। लगा के हाय शा।
जरूरत नहीं है। और दम लगाओ छचिंदर, हम तो आगे ही नहीं बढ़ रहे। बढ़ेगा तो तब ना जब हमारे चप्पू पानी तक पहुँचेंगे। लो पहुँच गए चंपू पानी में, अब चलो। दम लगाओ दूधी के छिलको। टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। भीम, आगे एक बड़ा पत्थर है। ठीक है, नाव को दाई तरफ घुमाओ। अब तो वो गए काम से। हीरो गिरी करके नाव को बचा लिया, मगर जीत नहीं पाओगे बच्चू। तुम्हारे दो निखट्टू दोस्तों को मैं चुटकी में हरा दूंगा। जा, अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई। जग्गू, राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया, तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। तुम्हारा जन्मदिन कुछ दिनों में ही है ना, देखना इस बार हम सब मिलकर तुम्हारे लिए कुछ खास करेंगे। हाँ, कुछ शानदार सा, एकदम हटके। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चला कर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है, रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छचुंदरो। क्या मस्त पिटाई की उसकी तुमने भीम। हाँ? राजू संभल कर। राजू तुम ठीक हो ना? मस्त। कर रहे हो। ओ, अच्छा सुनो भीम, पिताजी ने तुम सबको महल बुलाया है। कोई खास बात है क्या इंदु? पता नहीं, पिताजी चाहते हैं कि तुम उनसे मिलो। ठीक है चलो।
प्रणाम महाराज। भीम, हर साल नागापुर में एक शूरवीरता त्योहार होता है। वहाँ के राजा मणिरत्न ने हमारे साथ साथ तुम्हें भी आमंत्रित किया है। ये तो अच्छी खबर है। क्या चुटकी, जग्गू और राजू भी आ सकते हैं मेरे साथ? हाँ हाँ, क्यों नहीं। कल सुबह तुम सब राजमहल आ जाना, हम सब यहीं से रवाना होंगे। जी महाराज। पिताजी। हाँ बेटी। ये शूरवीरता त्योहार क्या है? बेटी, ये नागापुर का बहुत ही प्राचीन त्योहार है। यहाँ दुनिया भर से शूरवीर युद्ध कला प्रतियोगिता में भाग लेने आते हैं। जो ये प्रतियोगिता जीतता है वही सबसे ताकतवर माना जाता है। देखते हैं कि इस बार कौन जीतता है। आप सबका नागापुर में स्वागत है। आओ भीम। क्या अब हम उतरे उस्ताद? नहीं, पहले उन सबको जाने दो। अब चलो। जरा देखो तो, लगता है ये पोशाक मेहमानों के लिए है। मुझे दो। कितनी भारी है और डरावनी भी। अब डरना बंद करो और यहाँ रखी कोई भी पोशाक पहन लो, फिर हमें कोई भी नहीं पहचान पाएगा। सर्प शूरवीरों की तरफ से पहले प्रतियोगी मैदान में आ चुके हैं। ये सर्प शूरवीर कितना अद्भुत है। देखते हैं इसके आगे योद्धा शूरवीर कितनी देर तक टिक पाते हैं। जल्दी चलो, दावत शुरू ही होने वाली है। और योद्धा शूरवीरों ने तीन प्रतियोगी भेज दिए हैं मैदान में। इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए मुझे जाकर उन्हें बचाना होगा। ये मेरे दोस्त हैं, कोई योद्धा नहीं। ये गलती से यहाँ आ गए हैं, इन्हें जाने दो। योद्धा हो या ना हो, एक बार यहाँ आ गए तो लड़ना ही होगा। ये लीजिए महाराज। भीम, तुमने अपनी ताकत और साहस से एक बार फिर से ढोलकपुर का नाम रोशन किया है। ये मेरा सौभाग्य था महाराज। डरो नहीं, हमें अपना दोस्त ही समझो।
कि सबको पता चल गया है कि मैं डरपोक हूँ, वो भी दस्तूर समारोह वाले दिन सबके सामने। दस्तूर समारोह हर मॉन्स्टर की जिंदगी में बड़ा खास दिन होता है, जिसके बाद वो नन्हा कच्चा मॉन्स्टर नहीं पक्का मॉन्स्टर कहलाता है। तो सब तैयार? तैयार। अरे ये तो डर गया। डर से नीले पड़ जाने वाले किसी डरपोक के लिए कोई जगह नहीं। नहीं, वो मुझे वहाँ जाने से बहुत डर लगता है। दोस्त, यूं डर के छुपने से तो परेशानी कभी हल नहीं होगी। तुम्हें अपने डर को ही हराना होगा। आओ, हम सब तुम्हारे साथ छाया गुफा चलते हैं। जंगल का ये इलाका पहले कभी नहीं देखा। हाँ, लगता है बातों बातों में हम रास्ता भटक गए हैं। पर ये तो वही जगह है जहाँ हम कुछ देर पहले आए थे। मतलब अब हम सचमुच गुम हो गए हैं? सूरज भी डूब गया, अंधेरा हो रहा है। रात में जंगल में शेर, बाघ, चीता ऐसे जानवर तो निकल ही आते हैं, पर मुझे ना भूतों का ज्यादा डर है। देखो, वहाँ उस तरफ कुछ हल्की रोशनी दिखाई दे रही है, वहाँ चलकर देखते हैं। रेलवे स्टेशन यहाँ बिरानी में? अंदर जाकर पूछते हैं। क्या ये ट्रेन ढोलकपुर स्टेशन पे रुकेगी? ट्रेन पर चढ़ जाओ। मुझे ट्रेन में सफर करना बहुत अच्छा लगता है। हमें भी। क्या आप हमें बता सकती हैं ये ट्रेन अब कहाँ रुकेगी? ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी।
टूटा पुल, पर वो तो ढोलकपुर से उल्टी दिशा में पड़ता है और वो पुल टूटा होने की वजह से कई सालों से बेकार खंडर हो गया है। पर अगर पुल टूटा है तो ट्रेन उस पर से कैसे जा सकती है? ट्रेन नहीं रुकेगी, ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। यहाँ तो कोई ट्रेन भी नजर नहीं आ रही। हाँ, फिर ट्रेन कैसे रुकेंगे? कहीं ट्रेन सचमुच टूटे पुल पर जा पहुँची तो? ट्रेन के इंजन के पास चलते हैं, शायद वहाँ जाकर हम ट्रेन को रोक पाएं। चलो। ट्रेन नहीं रुकेगी। ट्रेन टूटे पुल पर जाएगी। एक बार जो इस ट्रेन पर सवार हो जाता है वो कभी उतर नहीं पाता। कालिया, राजू, तुम इंजन की तरफ चलो, इन्हें मैं रोकता हूँ। पार्टी में नहीं जा सकते, हमें राक्षस का भेष बदल कर जाना चाहिए जिससे उन्हें शक ना हो। मैं जग्गू के पास जाता हूँ। हमें भी कीड़े अच्छे लगते हैं, हम भी राक्षस हैं। इनकी इतनी हिम्मत कि राक्षसों की पार्टी में आ पहुंचे, इन्हें दिखाना ही पड़ेगा कि राक्षस कितने बुरे होते हैं। तुम सब आगे जाओ, मैं इन्हें संभालता हूँ। नहीं छोड़ेंगे, हमारी पार्टी खराब करने की सजा देंगे। हे, मैं यहाँ हूँ। लगता है वैम्पायर है। यहाँ से मेरा इलाका शुरू होता है। शुक्रिया वैम्पायर।